गुड मॉर्निंग। ज्ञानोडर्मा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे ज्ञानोडर्मा है, इसी तरह से इनका फेस भी चमकेगा। और हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं हमारा ग्यानोजी सोप। एंड इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज मैं इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगी, कैसे रोटेट मूवमेंट्स में हमको इस्तेमाल करना है। तो इनका बिफोर भी तस्वीर ली गई है, और आफ्टर सोप जब हम वॉश करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि इसका क्या ग्लो आता है। इनके चेहरे पे अभी मैं करने जा रही हूँ। आप इनका बिफोर चेहरा देख रहे हैं, और आफ्टर जब वॉश करेंगे तब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। ग्यानोजी सोप हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको पानी स्प्रे करना है फेस पे। तो नॉर्मल पानी आप स्प्रे करना है बॉटल के अंदर। अभी यहाँ पर स्प्रे बॉटल है, मैं स्प्रे करी, या तो आप लोग वॉश बेसिन में भी स्प्रे कर सकते हो। आई स्प्रे द वाटर, ओके, लाइक दिस स्प्रे करना है वाटर। और फिर उसके बाद हमको सोप लेना है, ग्यानोजी सोप, पानी लेना है, पानी से उसका पूरा फॉर्म निकालना है इस तरीके से। इस तरीके से हमको फॉर्म पूरा निकालना है, क्रीमी बनाना है उसको, क्रीमी करना है पूरा। इस तरीके से क्रीमी बनाना है। उसके बाद हमको रोटेट मूवमेंट्स में लगाना है। बहुत से लोग सिर्फ नॉर्मल लगाते हैं, लेकिन इस सोप को हमको रोटेट मूवमेंट्स में लगाना है, ताकि वो स्किन के अंदर जाके काम करे और ब्लड सर्कुलेशन होगा इससे। तो इस तरीके से हमको लगाने का तरीका इसका यही है। इस तरीके से लगाना है जैसे हम फेशियल के स्ट्रोक्स करते हैं, उसी तरीके से हमको लगाना है नोज़ पे भी और यहाँ पर भी। बहुत सी लेडीज़ को पिगमेंटेशन होता है या पिंपल्स होते हैं, तो पिंपल्स और पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इस तरीके से आप लोग लगाओगे तो पिगमेंटेशन के लिए भी फ़ायदा होगा, और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। एक महीने के अंदर उनका पिगमेंटेशन, जो सालों साल से उनके फेस पे था, एक महीने के अंदर वो ख़त्म हो गया है। लेकिन लगाने का तरीका हमारा यही है, इसी तरीके से रोटेट मूवमेंट्स में हमको इसको यूज़ करना है। नेक को नहीं छोड़ना है, गर्दन पर भी करना है, पूरा गर्दन, नहीं तो फिर दोनों में फ़र्क पता चलेगा, फ़र्क महसूस होगा। तो हमको नेक पर भी उसको करना है इस तरीके से, ये हुआ। और इतना टाइम हमको देना है, ये नहीं कि सोप जैसे हम नॉर्मल सोप यूज़ करते हैं, लगाते हैं फिर फौरन वॉश करते हैं, नहीं। ये सोप में केमिकल नहीं है, पाम ऑयल है और ग्यानोडर्मा है। तो ग्यानोडर्मा, जैसे ग्यानोडर्मा चमक रहा है उसी तरीके से इसका स्किन भी चमकेगा। जब वॉश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी चमक है इसके फेस में भी, और हमारा सोप कितना फ़ायदेमंद है। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे। अभी ये हमने सोप लगा दिया है, हम लगा के छोड़ देंगे। जो हम लोग नॉर्मल सोप लगाते हैं, जो नॉर्मल लेते हैं, जो फिल्म स्टार्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लक्स वगैरह, वो लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाते हैं। वो लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको दिखाते हैं, लेकिन उसको हम वो लोग यूज़ नहीं करते, वो लोग हमेशा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के वक्त में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा सोप है, हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं और लोगों को उसका रिज़ल्ट भी दिखाते हैं। और उसका रिज़ल्ट हम 15 मिनट के बाद देखेंगे, उसका रिज़ल्ट क्या आता है। 15 मिनट हमने इसके मुंह पे सोप रखा है, 15 से 20 मिनट ज़्यादा ही टाइम हो गया है, लेकिन कोई हार्म नहीं क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। और लगाने के बाद ये 15-20 मिनट बैठी रही। समीरा, यू फील समथिंग ईचिंग और एनीथिंग? नो, बिकॉज इसमें केमिकल नहीं है, केमिकल के बिना है, इसलिए इनको कुछ ईचिंग नहीं हुई। अगर हम दूसरा कोई सोप अपने गाल पे लगाएंगे तो हमको ईचिंग शुरू हो जाएंगी। तो आपको बताने का तरीका और एक भी है, आप बता सकते हो, एक गाल पे अपना सोप लगा के दूसरी गाल पे और दूसरा सोप लगा के, तो आप बता सकते हो उसमें कितनी ईचिंग आ रही है और कैसे आप फील कर रहे हो। तो ये सोप लगा के हमने 20 मिनट छोड़ा है, अब हम इसको क्लीन करने जा रहे हैं स्पंज के ज़रिए। इस तरीके से करके हमको इसको क्लीन करना है, क्लीन के बाद उसको ड्राई करना है। और बहुत से लोगों के इसके मुंह पे तो कुछ है नहीं छाइयाँ वगैरह, बहुत से लोगों को पिगमेंटेशन होता है गालों पे, गालों पे पिगमेंटेशन होता है या पिंपल्स के मार्क्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रीटमेंट है। और सब में बेस्ट हमारा ग्यानोजी टूथपेस्ट, बिकॉज इसके अंदर मिंट है, मिंट हमारे स्किन को ड्राई करता है। अगर पिम्पल्स के दाग है, पिम्पल्स है, तो उसको ड्राई करता है, और ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे हमने सोप इस्तेमाल करने का तरीका बताया, उसी तरीके से हमको रोटेट मूवमेंट में सोप लगाना है। 15 से 20 मिनट आप छोड़ सकते हो उसको, उसके बाद हमको टूथपेस्ट यूज़ करना है। लेकिन टूथपेस्ट यूज़ करने के लिए हमको पानी लेना है, थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है, ग्यानोजी टूथपेस्ट। ये पिम्पल या पिगमेंटेशन के लिए बता रही हूँ, उसको थोड़ा सा हमको टूथपेस्ट लेना है और उसको पानी के साथ हमको मिक्स करना है। पानी के साथ इस तरीके से मिक्स करना है, और जहाँ पर पिगमेंटेशन है
या पिंपल्स है, पिंपल्स के मार्क्स है, वहाँ पर हमको इस तरीके से अप्लाई करना है, इस तरीके से अप्लाई करना है, तो हमको कूल फील होता है, ठंडक भी महसूस होती है और ये अच्छा है हमारे पिगमेंटेशन एरिया के लिए। ये तरीका आप 1 महीना 15 दिन 1 महीना अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको जो छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, उसको ख़त्म कर देगा और पिंपल्स के मार्क्स है उसको भी ख़त्म कर देगा। अगर स्किन पे आपके कहीं पर भी पिंपल्स है या कोई इरिटेशन है तो आप इसको भी, ये गैनोजी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके काफ़ी और भी तरीके हैं किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। अभी हम हेयर मसाज का ट्रीटमेंट करेंगे फॉलिंग हेयर्स के लिए और डैंड्रफ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, तो उसके साथ में हम इसको भी दिखाएंगे। 15 मिनट के बाद हमने इसका फेस वॉश किया, आप देख रहे हैं इसके फेस पे कितना ग्लो आया है अपने गैनोजी सोप की वजह से। गैनोजी स्किन केयर से हम फेशियल शुरू करने जा रहे हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका तरीका मैं आज बताऊंगी। बिफोर चेहरा आप देख रहे हैं इनका, उसके बाद हम आफ्टर रिजल्ट भी देखेंगे। हर दिन हमको कैसे इसको इस्तेमाल करना है और फेशियल भी इससे कैसे करना है वो आज मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। फेशियल करने जा रहे हैं, फेशियल करने से पहले हम पानी स्प्रे करेंगे, नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल पानी है, इसको हम स्प्रे कर रहे हैं फेस पे, आइसक्रीम वाटर फेस पे स्प्रे करना है। उसके बाद हमारा क्लेंजर है, अब हम क्लेंजर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 2 से 3 ड्रॉप क्लेंजर हमको लेना है और हाथ पे इस तरीके से लेके उसको पानी में हाथ डीप करना है। उसके बाद हमको इसको इस तरीके से हाथ पे पूरा फॉर्म निकालना है और चेहरे पे रोटेट मूवमेंट्स में हमको इसको इस्तेमाल करना है। लगाने का तरीका यही होना चाहिए ताकि वो डीप क्लेंज हो जाए, अंदर तक जाके काम करेगा। और इसमें गैनोडर्मा है तो गैनोडर्मा की तरह ही हमारी स्किन भी ग्लो करेंगी और नो साइड इफ़ेक्ट। हर टाइप की स्किन के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें नहीं देखना है कि किस स्किन को हम इस्तेमाल करें, इसको इस तरीके से रोटेट मूवमेंट्स में हमको इसको इस्तेमाल करना है। कभी कभी किसी के स्किन मॉइस्चर नहीं होती है तो पानी की हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके से हमको और पानी लेना है और तरीका इसका यही होना चाहिए लगाने का। नोज़ पे भी ऐसे लगाना है और आइज़ को बचा के करना है, आँखों के अंदर जाना नहीं चाहिए, तो आँखों के अतराफ़ में हमको करना है। हमारी बॉडी की स्किन से ज़्यादा डेलिकेट हमारे फेस की स्किन होती है और फेस की स्किन से ज़्यादा डेलिकेट हमारी आँखों की स्किन होती है, तो आँखों पे भी हमको और कुछ नहीं लगाना है। आँखों के डार्क सर्कल्स के लिए क्या इस्तेमाल करना है वो भी मैं इसके बीच में आपको दिखाते जाऊँगी। नेक नहीं छोड़ना है, नेक पे भी लगाना है हमको इस तरीके से, ये मूवमेंट्स हमारे होने चाहिए इस तरीके से। जब पूरा ऑब्जर्व हो जाए अंदर, अंदर तक जाके वो काम कर जाए, अंदर दाखिल हो जाए पूरा, तब तक हमको इसी तरीके से इसको मसाज देना है। हम इसको 10 से 15 मिनट छोड़ सकते हैं, लेकिन और कुछ क्लेंजर्स होते हैं उसको हम ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकते हैं। इसको इसलिए छोड़ सकते हैं कि इसमें गैनोडर्मा है, ये हमारे स्किन को हार्म नहीं करेगा, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है, इसके लिए हमको इसको लगा के हम इतनी देर तक हम इसको छोड़ सकते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद हम इसको क्लेंज करने जा रहे हैं। स्पंज लेना है, स्पंज इसको हमको इस तरीके से क्लीन करना है, जो हम लोग क्लेंजर लगाए हैं उसको हम क्लीन कर रहे हैं इस तरीके से। और हर चीज़ जो भी स्ट्रोक हम करेंगे हमको ऊपर की तरफ करना है, नीचे नहीं जाना है। जैसे जैसे मैं वॉश कर रही हूँ स्पंज से, वो भी मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। देखिए हम लोग क्लेंजर लगाए और क्लीन किए, उसके बाद भी हमारा फेस, इसका फेस चमक रहा है, मतलब क्लेंजर में भी इतना इफेक्ट है, सिर्फ क्लेंजर से इसका फेस चमक रहा है। आपने देखा बिफोर, अभी आफ्टर क्लेंजर भी आप लोग देख रहे हैं कि कितना इसका फेस चमक रहा है। इसके बाद हम लोग करेंगे स्क्रब। अब हम 3-in-1 कॉफ़ी से स्क्रब करने जा रहे हैं, आफ्टर क्लेंजर स्क्रब करने जा रहे हैं। और हमारे पास 2 टाइप की कॉफ़ी है, 3-in-1 भी है और ब्लैक भी कॉफ़ी है, लेकिन ब्लैक से हम नहीं कर सकते हैं। 3-in-1 से इसलिए करना है, इसके अंदर शुगर है जो हमारे स्किन को स्क्रब करेगा, ब्लैक कैट्स वाइट से उसको निकालने की कोशिश करेगा, और मिल्क है जो ग्लो करेगा, अगेन गैनोडर्मा है जो, जैसे गैनोडर्मा शाइन होता है उस तरीके से चेहरा भी शाइन होगा। तो अभी हम स्क्रब करने जा रहे हैं कॉफ़ी से। स्क्रब करने से पहले हमको पानी स्प्रे करना है, पानी स्प्रे करना है, कॉफ़ी लेना है। कॉफ़ी से अभी हम स्क्रब करने जा रहे हैं, पानी के ऊपर हमको इस तरीके से कॉफ़ी को हमको लगाना है। थोड़ा सा पानी लेना है हाथ पे और हाथ को इस तरीके से जितना हमको पानी चाहिए उतना लेने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ड्राई कॉफ़ी से करते हैं और ड्राई कॉफ़ी से करने से स्किन पे रैशेज आते हैं, तो हमको इतने पानी की ज़रूरत है, उतना पानी ही लेना है।
अभी मुझे जितने पानी की ज़रूरत थी मैंने लिया और स्क्रब किए जा रही हूँ। नोज़ पे हमको करना है क्योंकि नोज़ के ऊपर बहुत ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, तो हमको नोज़ पे इस तरीके से करना है। फॉरहेड पे करना है, रोटेट मूवमेंट्स में ही करना है। चिन के ऊपर भी होते हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, वहाँ पर भी करना है और नोज़ पे ज़्यादा अच्छे से करना है। आँखों को बचा के रखना है, आँखों के ऊपर हमको कुछ नहीं लगाना है क्योंकि बहुत डेलिकेट होती है आँखें, तो आँखों को हमको संभाल के करना है। नेक पे भी करना है, अपवर्ड्स स्ट्रोक्स करना है ऊपर की तरफ, हमको नीचे को स्ट्रोक्स नहीं देना है। एंड मैडम यू फील यू ड्रिंक द कॉफ़ी, ओके, बिकॉज नाक के ज़रिए अरोमा उसके मुंह में जा रहा है तो वो फील कर रही है कि वो कॉफ़ी पी रही है। उसको 10 मिनट तक छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्ट होगा अगर 10 मिनट हम छोड़ते हैं तो। उसके बाद हमको इसको क्लेंस करना है। 10 मिनट ख़त्म हो चुके हैं, अब हम इसको क्लेंस करने जा रहे हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि कब तक स्क्रब करना है, जब तक इसकी शुगर मेल्ट होती है तब तक हमको इसको स्क्रब करना है। तो ये सवाल होते हैं, मैंने बीच में नहीं बोला है, लेकिन अगर आप लोग मतलब स्क्रब करोगे और जब पूरी शुगर मेल्ट हो जाएगी उस तक हमको स्क्रब करना है, छोड़ देना है फिर इसको 10 मिनट के लिए। अभी हमने 10 मिनट इसको छोड़ दिया था और उसके बाद हमने क्लेंस किया है। अभी भी आप देख सकते हो उसके चेहरे पर कितनी चमक आई है आफ्टर स्क्रब भी। अब हम जा रहे हैं गैनोजी ऑयल से फेस मसाज करने के लिए। ये गैनोजी ऑयल मसाज सब लोग कहते हैं कि अथराइटिस पेन के लिए अच्छा है, रोमेटिज्म के लिए अच्छा है, लेकिन आज मैं आप लोग को फेशियल भी इससे करके दिखाऊंगी और कैसे हमको फेशियल के स्ट्रोक्स करने हैं वो आपको पता चलेंगे। गैनोजी ऑयल लेना है, उसको अच्छे से शेक करना है, बॉटल को शेक करके लेना है। उसके बाद ऑयल लेना है, पूरे फेस पे इस तरीके से हमको ऑयल लगाना है। एंड गैनोजी ऑयल के अंदर कुछ मिक्सिंग नहीं है, ये भी ओरिजिनल है, पाम ऑयल है एंड गैनोडर्मा है। तो इससे जब हम मसाज करते हैं तो इट्स गुड फॉर स्किन, स्किन के लिए भी अच्छा है ये, स्किन को ज़्यादा ग्लो करेगा, टाइटनिंग के लिए अच्छा है, रिंकल्स वगैरह है उनको भी निकालने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हमको ऑयल लेके लगाना है। ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स है, यहाँ पे हमको प्रेस करना है, दिस इज प्रेशर पॉइंट्स, यहाँ लाके इसको प्रेस करना है। ये जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है फेशियल करना, इसी तरीके से हमको फेशियल करना है। दिस इज नोज ब्रिज, ये भी हमारा प्रेशर पॉइंट्स है, इसको हमको अच्छे से प्रेस करना है। जब आप ये प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करोगे तो आपको लगेगा कि आपको कितना अच्छा फील कर रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है आपको, इस तरीके से हमको करना है। और जितने प्रेशर पॉइंट्स पे आप लोग प्रेस करोगे उतना आपको अच्छा फील होगा। होठों के अतराफ में करना है इसको। अगर तरीका सही करोगे आप, इस्तेमाल करोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। इसी तरह से नॉर्मल तरीके से अगर आप लगाओगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये जो आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको फेशियल करना ज़रूरी है। फिर ये जो मसाज अभी मैं करने जा रही हूँ, बहुत से लोगों को हंसने के बाद यहाँ लाफ्टर लाइन आती है इस जगह पर, तो इसके लिए हमारा ये वाला मसाज है जो मैं अभी करने जा रही हूँ। इस तरीके से लाफ्टर लाइन मसाज करना है, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है फेशियल के लिए, तो जो लाइंस वगैरह है वो ख़त्म हो जाएंगी इस तरीके से। फिर ये वाला, ये मसाज, नोज ब्रिज, फिर से अगेन प्रेशर पॉइंट्स। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है तो उसको हमको क्या लगाना चाहिए, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑयल है गैनो ऑयल। डार्क सर्कल्स और पफिनेस, आंखों के नीचे पफिनेस होते हैं, उसके लिए हमको गैनो ऑयल ही यूज़ करना है। इट्स वेरी गुड फॉर डार्क सर्कल्स ऑल्सो, आंखों के नीचे जो काले डार्क सर्कल्स होते हैं उसके लिए क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। ये मैं फेशियल के साथ आप लोगों को डार्क सर्कल्स का भी दिखा रही हूँ तरीका, किस तरीके से हमको उसको रिमूव करना है। ये होता है यहाँ पर भी, हम जब ये मसाज करते हैं तो बहुत रिलैक्स फील करोगे आप।